अब रुख करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक पंचायत प्रमुख के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दौरान गुरुवार को हुई हिंसा के बाद सियासत गर्मा हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को इशारों में इसे भारतीय जनता पार्टी की चाल बताया है। इससे पहले भी राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर हिंसा में शामिल होने और सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर 825 में से कम 276 पदों पर निर्विरोध जीत का दावा किया है। वहीं राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुई हिंसा के बारे में लिखा गया है।